हाय फ्रेंड्स, अब मेरे पीछे जो आप सोसाइटी देख रहे हैं वो आपकी रहेगी हाईलैंड पार्क टेरेसेस के नाम से, ठीक है। ये आपका एंट्री गेट रहेगा। ये वाली सोसाइटी आपकी 8 एकड़ में बनी हुई है। इसमें हमारे पास 2 और 3 BHK फ्लैट रहेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपकी एंट्री रहेगी। एंट्री जैसे मैंने आपको बताई, हाईटेक हमारी सारी सिक्योरिटी रहेगी। जैसे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, इंटरकॉम, CCTV कैमरा एंड सोसाइटी कनेक्ट ऐप। अब ये वाली आप जो लोकेशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल इंटरनल रहेगा हमारी सोसाइटी का। ये एक्चुअल साइट है हमारी, और इसमें जो आप एलिवेशन देख रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये सामने जो आपकी ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 2 BHK का स्ट्रक्चर रहेगा। ये सारी की सारी इंटरनल रोड रहेंगी इसकी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फ्रंट, ये जो एलिवेशन है सेम एज इट इज़ हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का आप डिस्टेंस देख सकते हैं, ये आपका 55 फीट रहेगा। 55 फीट ये सारी की सारी वाइड रोड है, जिसमें 20 फुट का आपकी ये वाली रोड रहेगी। इसके साथ में 15 फुट का ये आपका पूरा ग्रीन पैच रहेगा, और उसके साथ में 20 फुट की ये जो ये आपके बीच में ना ग्रीन आप पैच देख रहे हो, ये ग्रीन पैच में आपका ग्रीन प्लांटेशन, सिटिंग एरिया ये सारा रहता है। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, सो दैट आपका हर एक फ्लैट ग्रीन और पार्क फेसिंग रहे। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये सारी आपकी पार्किंग रहेगी। ये अलॉटेड पार्किंग है, हर एक फ्लैट नंबर के साथ हमने ये मार्किंग की हुई है, सो दैट आप अपनी पार्किंग में ही गाड़ी लगाओगे। अब ये नीचे जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये गैस सिलेंडर की प्रोविज़न है। आपका गैस सिलेंडर यहीं पे रखा जाएगा, और यहाँ से पाइप आपकी किचन में जाएगी, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर है, चाहे सेकेंड है, चाहे थर्ड है। और इन फ्यूचर जैसे गैस पाइपलाइन सारे प्रोजेक्टों में आ रही है, तो जैसे यहाँ पर आती है, तो फ्यूचर वाली हमने ऑलरेडी प्रोविज़न की हुई है। इसमें गैस की पाइप ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और ये बाहर की बार कनेक्ट हो जाएगी। इंटरनल वाली सारी फिटिंग कंप्लीट है। स्टेयरकेस से आपकी एंट्री रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे 2 BHK की तरफ, जो आपका 1156 स्क्वायर फीट रहेगा। ये आपकी मेन एंट्री रहेगी। 2 BHK की जो मेन एंट्री है, वो 8 फुट हाइट के सारे डोर रहेंगे आपके। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया आता है, ठीक है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये हमारा लिविंग एरिया रहेगा। लिविंग के साथ फ्रंट में आपकी बैल्कनी रहेगी। ये जो बैल्कनी आप देख रहे हो, इसमें आउटर में सारा आपका UPVC लगा हुआ है। इसकी हाइट भी आपकी 8 फीट तक रहेगी। ये वाला जो मटेरियल है UPVC, ये वुडन और एल्युमिनियम से कॉस्टली है। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। ये आपका साउंड प्रूफ होता है। ये आपकी फ्रंट बैल्कनी है। इस बैल्कनी से जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके फ्रंट में दूसरी रो बनी हुई है, तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट का जो डिस्टेंस है वो 55 फीट है। जैसा कि आप ये रेलिंग देख रहे हैं, ये SS रेलिंग विद टफन ग्लास हम आपको सेम एज इट इज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप मेरे साथ ये जैसा फ्लैट देखोगे, सेम एज इट इज फ्लैट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपका लिविंग एरिया है, इसमें आपका इजिली 6 सीटर सोफा आराम से आ सकता है। और लिविंग एरिया के साथ में एड ज्वाइनिंग ही आपका डाइनिंग स्पेस रहेगा। डाइनिंग स्पेस में भी आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल इजिली यहाँ पे आ जाएगा। और जो इसका साइज रहेगा वो 14x19 है। देख सकते हैं कितना ये स्पेसेस है। और इसके साथ जो आप ये रूम देख रहे हैं, इसमें हम आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं विद लाइट। ये जैसी फॉल सीलिंग देख रहे हो, सेम एज इट इज वी आर प्रोवाइडिंग फॉल सीलिंग के साथ। इस दीवार पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये AC की डक्ट रहेगी आपकी। AC की प्रोविजन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। सेम एज इट प्रोविजन आपकी बेडरूम में रहेगी। आपको सिर्फ AC लाकर यहाँ पे हैंग कर। डाइनिंग एरिया के साथ आपकी मॉडुलर किचन रहेगी। ये किचन जैसी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं विद ऑल फिटिंग चिमनी के साथ। जैसे कि आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सारे आपके सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे, ये सारे बॉक्सेस। और एक मैं आपको वो चीज़ बता रहा था, गैस पाइपलाइन, ठीक है। नीचे आपका जो सिलेंडर की प्रोविज़न दिखाई थी, तो उसका प्रोविज़न ये रहेगा, आपकी वहाँ से पाइप ये रहेगी, ठीक है। ये वाले पॉइंट आपके माइक्रोवेव के लिए हैं, प्लस इस साइड में आपकी RO की प्रोविज़न रहेगी, और गीजर की प्रोविज़न आपकी सामने रहेगी। ये आपका रैक रहेगा जी बर्तन के लिए। किचन के बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम में लेकर चलता हूँ। ये वाला आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। इसके अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ, तो 10x15 इसका रूम साइज़ रहेगा, जिसमें आपका किंग साइज बेड आराम से इसमें आ जाता है।
बेड के सामने आपका LED स्पेस रहेगा, यहाँ पे आपका LED पैनल रहेगा, प्लस इसमें हम आपको AC की प्रोविजन ऑलरेडी करके दे रहे हैं। और इस बेडरूम में जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कबर्ड हम एज इट इज आपको दे रहे हैं, ये सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ ही रहेंगे कबर्ड आपके, ये आपके कबर्ड रहेंगे। प्लस इसमें हम आपको ड्रेसिंग टेबल बना के दे रहे हैं, ये आपका ग्लास रहेगा, और इसके बैक साइड में आपका कॉस्मेटिक का कुछ भी सामान रखना आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। ये वाली चीज़ ये सेम एज इट इज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और नॉर्मली अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो 2BHK की रूम साइज़ आप देखते हैं ना, तो 10x11, 10x12 के रूम साइज़ होते हैं। ये आपका 10x15 का रूम साइज़ है, जो बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट में आपको 10x15 का रूम साइज़ मिलती है। अब रूम साइज के साथ ही मैं आपको बैल्कनी में लेकर जा रहा हूँ। ये आपका बैक साइड में आपकी ये बैल्कनी भी रहेगी और वॉशिंग एरिया भी रहेगा, यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। सेकेंडली आपकी फ्लैट की वेंटिलेशन सबसे अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड में आपकी ये पूरा ओपन रहेगा नीचे से लेके ऊपर तक, सो दैट आपकी हवा की क्रॉस वेंटिलेशन ईजिली होती रहे। मास्टर बेडरूम के साथ आपके ये अटैच वॉशरूम रहेगा, ये वॉशरूम आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें ऑल ब्रांडेड फिटिंग, ऑल ब्रांडेड टाइल, ये सारी आप देख रहे हैं। और इसमें जो टाइल है वो आपकी फुल हाई टाइल रहेगी। ये सामने आपका शावर एरिया आ गया, ठीक है। इसके साथ ही आपके लेफ्ट हैंड में गीज़र की प्रोविज़न है, सिर्फ आपको गीज़र यहाँ पे लगाकर हैंग करना, अदरवाइज सारी प्रोविज़न हमने ऑलरेडी की हुई है आपकी ये। और इसके साथ ही आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो रही एग्जॉस्ट, ठीक है। ठीक है, मास्टर बेडरूम के साथ हम आपको लेकर जाते हैं आपके सेकंड बेडरूम में। अगर मैं सेकंड बेडरूम की बात करूँ तो इसका रूम साइज भी 10x15 रहेगा, जहाँ पे आपका किंग साइज बेड इजीली आपका आ सकता है। किंग साइज बेड लगाने के साथ आपकी एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी रहती है। अब इस पूरे फ्लैट में ना हमने आपकी वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है, सो दैट भी आपके फ्लैट की वेंटिलेशन भी रहे। और जैसे कि इस रूम की मैं बात करूँ तो आपको ये विंडो दी हुई है जिससे आपकी हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल क्लियर रहेगी। इसके साथ ही आप AC की प्रोविज़न देख रहे हैं, सेपरेट AC की प्रोविज़न ऑलरेडी हमने की हुई है। उसके साथ में ये आपका जो स्पेस देख रहे हैं ये LED का पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। आपकी LED पैनल बनेगा यहाँ पे। इसके साथ में हम आपको कबर्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं जैसा आप ये देख रहे हैं, और इन कबर्ड के साथ अगेन आपको ये ड्रेसिंग टेबल हम बना के दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैक साइड में आप अपना कॉस्मेटिक का कुछ भी सामान ईजिली रख सकते हैं। ये आपके कबर्ड आ गए। इस बेडरूम के साथ आपका ज्वाइंट रहेगा वॉशरूम, ये वॉशरूम आप जैसा देख रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं विद ऑल फिटिंग के साथ। ये आपका जैसे ऊपर गीज़र की प्रोविज़न आ गई है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको अगेन गीज़र हैंग करना, अदरवाइज सारा क्लियर रहेगा। और ये आपका शावर एरिया, इसमें जो टाइल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपकी फुल हाइट टाइल रहेगी, और इसका साइज़ काफ़ी परफेक्ट है, 5x7 इसका साइज़ रहेगा। इसके साथ ही ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो वाली, जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट रहेगा,